अबे चूहे, हम पठान लोग हैं, सामान से अखरोट तोड़ डालते, समझे क्या? हाँ, तभी तो जब भी इसका बेटे से अखरोट तोड़ने के लिए देता है, ये अखरोट अपने गोटों में दबा लेता है। और वैसे आजाद भाई, अखरोट तोड़ने के बाद सामान ठीक तो है ना तुम्हारा? क्योंकि लोगों को शक बहुत है, और ऊपर से अपने बच्चे से भी शकल नहीं मिल रही है तुम्हारी। So, hey guys, welcome back again, तुम सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अत्तर जेल के पूर्व सम्मानीय कैदी श्री एजाज खान की। 3,500 क्रिमिनल, एक से बड़ा एक वो अंदर रहते, उधर 26 महीना रूल करके आया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे ये फतवा वगैरह जारी करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया समाज में, कोई तो फतवा जारी करो इसके लिए। और नहीं, जिस बंदे से फिल्मों में गुंडों का रोल तक ठीक से नहीं हुआ, वो असली गुंडों पर जेल में रूल करने की बात कर रहा है। अबे सच से बता, कैदियों को जब बर्तन धोने के लिए जूना नहीं मिलता था, तेरी इन जुल्फों का जूना बनाकर वो अपने झूठे बर्तन धोते थे ना। और वैसे एजाज भाई, जब अपना जेल जाना तुम्हें इतनी ही शान की बात लगती है, तो फिर ये जमानत में बाहर आकर अपने शान में गुस्ताखी क्यों कर दिया आपने? मेरे बारे में कोई भी यूट्यूबर, एल्विस यादव हो या उसका चाचा हो या कोई भी हो या उसके चेले हो, बनाए दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं। अब इसकी बात तो सुन ली ना तुमने, लेकिन जितने सीरियसली इसने सफेद गोलियों का धंधा करके हमारे देश के कानून को लिया था, बस उतनी ही सीरियसली हमें इसकी बातों को भी लेना है। नहीं, कुछ दिल दिमाग के सेंसिटिव लोग होते हैं यार, जो कि रोस्ट वीडियो को सच में नहीं सहन कर पाते हैं। लेकिन ये आदमी जो कि लड़कियों से मारपीट करने के चक्कर में पुलिस के हाथों चढ़ चुका है, लड़की को वल्गर मैसेज और फोटो भेजने के चक्कर में पुलिस के हाथों चढ़ चुका है, ड्रग्स केस में भी एक एक नहीं बल्कि दो दो बार धरा जा चुका है, उसके लिए सालों की जेल भ्रमण करके भी आ चुका है, ऐसे हरकतें करने वाले इंसान को एक रोस्ट वीडियो से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है यार? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ यार, 5-6 महीने के रोस्ट वीडियो की क्या ही इमेज खराब कर लेगी, जो कि ऐसा लग रहा है कि इसके 2 साल जेल जाने के बाद खराब नहीं हुई। बात तो सही है। चल अच्छा है, सारे यूट्यूबरों के घर चला रहा ना एजाज खान के? नहीं चला रहा, जिस जिस के व्यू नहीं आ रहे थे सबके आ रहे ना, इंटरनेट गरम कर दिया ना। नहीं तो सब पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम, हर कैदी बोलता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो फंसाया गया है। तो ठीक वैसे ही हर छपरी जैसे कि यूट्यूबर ने रोस्ट किया है, वो भी ये बात जरूर बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, मेरी वजह से तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं। और एजाज खान के केस में कमाल की बात तो ये है कि इसने ये दोनों ही बातें बोली हैं। मुझे जेल भेजा बिना कुछ किए, मैंने कुछ नहीं किया था, पूरी दुनिया जानती थी। चल अपनी ऐसी लमजोतुल बातों के वजह से पुलिस को भी इसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ गई थी। जेल में जाकर पुलिस वालों को बोलता कि वो तो हम जैसे लोग हैं जो कि क्राइम करते थे, तब जाकर तुम्हारी वैल्यू बनी हुई है, नहीं तो देश को तुम्हारी कुछ खास जरूरत है नहीं। उसके बाद पुलिस वालों ने सिर्फ अपने डंडे पर ही नहीं बल्कि इसके शरीर पर तेल लगाकर इसकी कुटाई करी है। बहुत मारा, मतलब मां चो। मेरी अम्मी जान कहती थी, बेटा गलतियां करके आदमी सीखता है, इसलिए मैं रोज गलतियां करता हूँ और रोज सीखता हूँ। अपने हिलाने की आदत को अगर तुम्हें कभी जस्टिफाई करना हो ना, तो वहाँ पर इसी लाइन को चेप देना कि मैं तो रोज गलती करता हूँ, रोज सीखता हूँ। और वैसे एजाज भाई, तुम्हारी अम्मी ने ये बात बोली थी, तो तुमने इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया? अगर गलती करके सीखने वाली ये बात तुमने सीरियसली ली होती, तो तुम एक ही केस में दो दो बार नहीं फंसते। यू आर राइट ब्रो। बल्कि इससे सीरियस यार, इसके अब्बू ने इसके अम्मी की बात को लिए, उन्होंने एक बार गलती करी, उससे सीखा और दोबारा वो गलती की ही नहीं, तभी तो ये इकलौता भाई है। और लॉबी से लाइव करूंगा, नीचे आ जाना। तुम लोग जब लिक्विड फॉर्म में थे ना, तो तुम्हारा डैडी यूनिफॉर्म में था। हाँ, और वो यूनिफॉर्म तो बहुत बढ़िया थी यार इसकी, मैंने खुद देखी थी, बिल्कुल चटक सफेद रंग की चमकदार यूनिफॉर्म, जिस पर काले रंग की 2-3 धारियां खींचकर डिजाइन बनाई गई थी, साथ में छाती पर एक जेब बनाया हुआ था और उस जेब पर नंबर जैसा कुछ लिखा भी हुआ था, जो कि मुझे तो अभी याद नहीं है। अरे आजाद भाई, आप ही बता दो ना कि आपकी यूनिफॉर्म पर आपका कैदी नंबर क्या लिखा हुआ था? पानी और एजाज खान से नहीं खेलने का, आग जलाता है, पानी डुबोता है और एजाज खान तड़पाता है, तड़पाऊंगा टाइम आने पे तुमको मालूम भी नहीं रहेगा। नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, आग जलाए ना जलाए, पानी डुबाए ना डुबाए, लेकिन ये आदमी तड़पाता जरूर है। मैंने खुद पढ़ा था यार कि पाउडर की गोलियों का नशा करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, इंसान की नींद कम हो जाती है, हार्ट बीट की स्पीड कम हो जाती है, तो मतलब ओवरऑल देखे आदमी तड़पता तो है, इसलिए मानना पड़ेगा बंदे की धमकी में हवाबाजी नहीं बल्कि सच्चाई भी है। तू समझा? जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। हाँ देख लो भाई, जंगल के शेर को, ये वही जंगल का शेर है जो कि कुछ दिनों पहले जमानत पर पिंजरे से छूटकर बाहर आया है। गजब बेइज्जती है। और वैसे इस शेर और कुत्ते की लड़ाई में पहली बार देख रहा हूँ कुत्तों से ज्यादा ये शेर भौंका है, मतलब इतनी वीडियो शेर पूरे यूट्यूबर्स ने मिलकर नहीं बनाई जितनी ये चौदह अकेले बना ले गया। मुंबई के चोर, तुम तो बना रहे हो, मैं तो लिस्ट बना रहा हूँ बेटा, मेरा क्या है, आई एम नथिंग टू लूज ब्रो।
मैंने जिंदगी में सब पा लिया है। अरे एजाज भाई सच सच बताओ, तुम कहीं रोस्ट वीडियो से ऑफेंड होकर सुसाइड वगैरह करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? कहीं यूट्यूबरों का नाम नोट कर रहा हूँ बोलकर सुसाइड नोट में हमारा नाम ना लिख दे। और वैसे जब ये इतने भयंकर माँ बहन की गाली गलौज वाले लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसकी बीच में तुम ये इतनी सेंटी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने जिंदगी में सब पा लिया है, खोने को कुछ नहीं है, जो खोना था खो दिया, जो बचा है वो सिर्फ मेरा है। अरे तो हमने कौन से तुमसे कुछ छीना है या फिर हमने कौन से तुम्हें कुछ देना है? जो भी तुम्हारे पास बचा है और जो भी तुमने गवाया है वो सब तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। और वैसे भी इसमें इतने दुखी होने वाली क्या बात है, सिर्फ 25 गोलियां तो पुलिस ने पकड़ी है, बाकी तो तुम्हारे पास ही होंगी। नहीं तुम्हें कहा किसने था एयरपोर्ट पे गोलियां ले जाने के लिए? साले तू। खैर तो यार अपन लोग फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो भी जरूर से कर देना। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।